भागलपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सबौर थाना क्षेत्र में नौगछिया हरियो पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सचिदानंद सिंह पर भी गोलीबारी कांड का 3 घंटे के भीतर उद्भेदन कर दिया है। साथ ही पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 1 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 14 जिंदा कारतूस, खोखा सहित मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस की माने तो पीयूष कुमार ने मुखिया प्रतिनिधि सचिदानंद सिंह की 5 लाख में हत्या की सुपारी दी थी। पारिवारिक और जमीनी विवाद के कारण भाड़े की सूटक द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। कल रात्रि लगभग 8 बजे के आसपास जो हवाई अड्डा के पास एक हॉस्पिटल है, लोकल हॉस्पिटल, और उसी के पास ही एक टर्निंग है, वहीं पे नौगछिया के बीपुर थाना अंतर्गत एक पंचायत है हरियो, वहाँ के मुखिया श्री सचिदानंद सिंह को अपराधियों के द्वारा गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई और मैं स्वयं वहाँ पहुँचा और उसके बाद FSL की टीम भी वहाँ पहुँची और वहाँ पर जो भी साक्ष्य थे उनको एकत्रित किया गया। इस घटना में FIR दर्ज की गई और इन लोगों ने मानवीय और तकनीकी आसूचना के आधार पर 3 घंटे के भीतर इस पूरी घटना में शामिल जो षड्यंत्रकारी है उसकी गिरफ्तारी हुई है और 2 शूटर की गिरफ्तारी हुई है और इस घटना में प्रयुक्त 2 हथियार की गिरफ्तारी की बरामदगी की गई और 1 पिस्टल और 1 कट्टा और 14 जिंदा कारतूस की बरामदगी की गई। 3 मोबाइल की भी बरामदगी की गई है और इस प्रकार 3 घंटे के भीतर इस बड़ी घटना का उद्भेदन भागलपुर पुलिस के द्वारा पूरी तत्परता दिखाते हुए किया गया और इसमें अपराधियों की भी गिरफ्तारी की गई और जो प्रयुक्त हथियार थे उसकी भी बरामदगी की गई और तकनीकी साक्ष्यों को भी संकलित किया गया जिसमें ये अपराधी उस पूरे घटनास्थल की रेकी करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इनका जो मूल कारण रहा है ये इनका आपसी पारिवारिक विवाद रहा है। जो पीयूष है उसी ने शूटर्स को हायर किया था, 5 लाख रुपए में पूरी बात तय हुई थी और एक हाईवे के पास जमीन है और इसके अलावा आपसी दुश्मनी भी है। 2012 में या 2016 में भी 2 मर्डर की घटना ये इन दोनों परिवार के बीच में हो चुकी है और उसी का बदला लेने के लिए ये पूरी कहानी रची गई थी, ये पूरी साजिश रची गई। जिनको गोली लगाया क्या उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है? हम लोग पता कर रहे हैं और जो पकड़े भी गए हैं अभी तक उनका भी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री अभी तक हम लोग को प्राप्त नहीं हो रही है हुई है, लेकिन हम लोग नौगछिया पुलिस के संपर्क में हैं और दोनों पक्ष का आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी जुटाई है। ऐसे तो आम का राजा मालदा आम को कहा जाता है लेकिन रसीले और सुपाच्य आम में अलग पहचान बनाए भागलपुर का जर्दालू आम खास है। हर साल प्रधानमंत्री व महामहिम राष्ट्रपति समेत अन्य गणमान्यों को भेजा जाता है। इस बार फिर जर्दालू आम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति समेत अन्य विशिष्ट अतिथियों को जर्दालू आम भेजा गया है। 2007 से लगातार हर साल प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इसका स्वाद चखते हैं लेकिन इस बार यह खास है क्योंकि यह पहला मौका है जब किसी प्रधानमंत्री की जीत के बाद संदेश के रूप में जर्दालू आम भेजा गया है। भागलपुर का जर्दालू आम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सौगात के रूप में भेजा जाता है। जहां सरकार बनाने को लेकर नीतीश कुमार पर सभी नजरें टिकाए हुए हैं तो वहीं इस बीच प्रधानमंत्री को सौगात भेजाना भी खास है। सुल्तानगंज के किसान मैंगो मैन अशोक चौधरी के बगान से कृषि विभाग के अधिकारियों ने आम की पूरी तरह से जांच कर उसे तोड़कर पैकिंग करवाया था। आज विक्रमशिला एक्सप्रेस से 2000 किलो आम भेजा गया। आनंद विहार टर्मिनल से कल बिहार भवन ले जाया जाएगा। उसके बाद वहां से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री व अन्य विशिष्ट अतिथियों को भेजा जाएगा। भागलपुर के इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में स्मार्ट सिटी कार्यालय में आउटसोर्सिंग कर्मचारी और एजेंसी संचालकों के बीच जमकर तू-तू में हुई। दरअसल इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में आउटसोर्सिंग कर्मचारी द्वारा लगातार वेतन बढ़ोतरी की मांग एजेंसी से की जा रही थी और इसी को लेकर कल एजेंसी के कर्मचारियों के साथ बात चल रही थी। इसी दरमियान एजेंसी के कर्मचारी भड़क गए और डाटा ऑपरेटर के साथ अभद्र व्यवहार किया। इसके बाद आज सभी डाटा ऑपरेटर एजेंसी के कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए तिलकामांझी थाने में आवेदन दिया और न्याय की गुहार लगाई। वहीं घटना को लेकर डाटा ऑपरेटर भी कुछ बोलने से डर रहे हैं। वहीं अधिकारी भी इस मामले को लेकर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। लड़िएगा।
अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में भागलपुर, बांका व जमुई के जिला जज के द्वारा पौधारोपण किया गया। तीनों जिलों के जिला जज के द्वारा एक एक पौधे लगाए गए। वहीं व्यवहार न्यायालय के अन्य जजों के द्वारा भी पौधा लगाकर आज के दिवस को मनाया गया। इस अवसर पर ACGM प्रकाश कुमार राय ने बताया कि लोगों को सिर्फ आज के ही दिन नहीं, हर एक दिन अपने आसपास पेड़ लगाना चाहिए, जिससे लगातार क्लाइमेट चेंज और लगातार पड़ रही गर्मी और बरसात के समय में तेज बारिश से जो लोगों को परेशानी हो रही है, वही इन्वायरमेंट में जो चेंज आ रहा है उसको रोकने के लिए लोगों को लगातार यह प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कोई एक आदमी के लिए नहीं, सभी लोगों और पूरे विश्व को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इस अवसर पर कई न्यायाधीश के साथ साथ न्यायालय के कर्मचारी मौजूद थे। एक वर्ष हम लोग इस अवसर पर संकल्प लेते हैं कि पर्यावरण को हमें संरक्षित रहना है, जिससे जीवन है, और इस संबंध में बिहार सरकार, भारत सरकार के प्रयास से बहुत सारे प्रोग्राम जैसे जल जीवन हरियाली जनशक्ति मंत्रालय बनाया गया है, और यह एक किसी खास पर्टिकुलर समुदाय की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी के का हित जुड़ा हुआ, मानवता का हित जुड़ा हुआ। अगर हम पर्यावरण को सही सुरक्षित रखेंगे तो हम सुरक्षित हैं, पर्यावरण नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए पूरे प्रकृति के प्रति हमारा समर्पण है, इस बात का एहसास दिलाना है। यह ऐसा अवसर पर हम सबको एक कमिटमेंट लेना चाहिए कि आगे और यह काम जो है सिर्फ एक दिन का नहीं, सालों भर का, हर समय अपने मानवता को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए प्रयास करते रहना है। भागलपुर के बाजारों में वट सावित्री को लेकर सुहागन अपनी सुहाग के लिए वट सावित्री की पूजा करती है, उसी को लेकर भागलपुर के बाजार में नई नवेली दुल्हन अपनी सुहाग की रक्षा, सही सलामती के लिए वट सावित्री की निर्जला व्रत रखती है। शादीशुदा महिला अपनी सुहाग की रक्षा व सही सलामती के लिए वट सावित्री की पूजा करती है। इसी को लेकर बाजार में पंखा, डलिया, फल, केला, अनार, नारंगी, लीची और आम की काफी खरीदारी के लिए भीड़ लगी रही। आपको बता दें कि सुहागन अपनी सुहाग के लिए वट सावित्री की पूजा कल 6 जून को करेगी। इसके लिए बाजारों में भीड़ देखी गई। सभी महिलाओं ने बाजार से डलिया, पंखा सहित पूजा की हर सामग्री खरीदी। दुकानदारों ने बताया कि बाजारों में हर साल की तरह इस साल भी वट सावित्री की पूजा की सामग्री खरीदने के लिए काफी भीड़ देखी जा रही है। क्या क्या लगता है इसमें? डलिया, पंखा, मौली धागा, सिंगार का पुड़िया, घी, मध, पान सुपारी, सब लगता है। भीड़ कैसा है नाथनगर बाजार में? ठीक है, चल रहा है। चल रहा है। कौन पट्टी है? नाथनगर डलिया पट्टी। क्या क्या रखे हैं आप सामान? पूजा का टोटल सामान। अच्छा, तो मतलब अगले साल से कितना बिक्री कैसा लग रहा है? बहुत कम है। बिक्री कम है? बहुत कम।
सबौर प्रखंड के खनकित्ता पंचायत में संतोष शाह की पुत्री कल्याणी कुमारी व दो पुत्र कोहिनूर कुमार सिंह व पृथ्वी सिंह तीनों बच्चे कराटे का अभ्यास करते नजर आए। वहीं टीचर कराटे की तीनों बच्चों को अभ्यास करा रहे थे। कल्याणी कुमारी का कहना है कि अभी के समय में लड़कियों को कराटे सीखना बहुत जरूरी है, लड़कियों को स्वयं रक्षा के लिए कराटे सीखना चाहिए। कल्याणी ने बताया कि कराटे के अभ्यास के लिए मेरे पिता संतोष सिंह का भरपूर सहयोग है, उन्होंने मुझे बेटे का दर्जा दिया है, वो बेटा और बेटी में फर्क नहीं समझते हैं। कल्याणी को बहुत सारे जगह से मेडल सर्टिफिकेट भी मिला है। चैंपियनशिप के लिए बहुत दूर दूर तक तीनों भाई बहन जाते हैं। बचपन से रुचि था कि अलग थोड़ा सा कुछ करे अपने फैमिली के लिए। माता पिता का क्या सहयोग है इसमें? मेरे पापा का तो पूरा सहयोग है कि पूरा करो, यहाँ तक पहुँची हो तो आगे भी जाओ। इससे सीखने का क्या मतलब है? इसमें तो सीखने से मेरा ही फायदा है, एक अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। और आजकल का जो युग है पूरा ही खराब है, वहाँ पे भी जाओ तो अपना खुद अपना ही सेल्फ करो। हम सब भी यहाँ चाहते हैं कि वो भी आए ज्वाइन करे और यहाँ पे सीखे, अपना खुद रक्षा कर सकता, किसी को डिपेंड रहने की किसी को जरूरत नहीं है, अपना करेगा अपना ही रहेगा। कि मेडल वगैरह भी तुमको मिला है? हाँ मेडल मिला, हम खेल चुके हैं, नेशनल इंटरनेशनल तक गए, स्टेट चैंपियन तक गए तो, और जहाँ इंटरनेशनल तक खेले गोल्ड लाए। आने का उद्देश्य है कि सेल्फ डिफेंस, अपना खुद का रक्षा, ठीक है, गलत गतिविधियों से रक्षा। तो इस तरह से लोग मार्शल आर्ट को सीखते हैं और अपनी रक्षा और समाज में गलत गतिविधियों से होने वाली जो जो भी होता है उससे डिफेंस करते हैं लोग और अपना रक्षा करते हैं। और ज़्यादातर हम लोग इस चीज़ पर ध्यान देने की लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए सिखाया जाए, इसके लिए हम लोग अलग अलग तरीके से अपना संस्था के द्वारा मुहिम भी चलाते हैं, लड़कियों को फ्री क्लास ज्वाइन करवाते हैं और उन्हें सिखाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा चीज़ हम लोग जो है बताते हैं लड़कियों को, अग्रेसिव करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर भागलपुर के पुलिस लाइन में महिला व पुरुष जवानों ने पौधारोपण किया। इस दौरान पुलिस लाइन से सिपाही धनंजय पासवान ग्रामीण क्षेत्र में 1100 पौधा लगाने अपने साथी जवान के साथ रवाना हुए। बता दें कि भागलपुर में कार्यरत पुलिस जवान धनंजय पासवान ड्यूटी पूरा करने के बाद बचे हुए समय में लोगों को सड़क दुर्घटना से बचाने के लिए जागरूक करते हैं और अपने पैसे से हेलमेट देते हैं। और प्रत्येक साल विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर धनंजय पासवान ने 1100 पौधा लगाने और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया है। पुलिस अधिकारियों ने धनंजय पासवान की इस पहल की प्रशंसा की है। 190 धनंजय कुमार पासवान, ये अभी सेशन कोर्ट में प्रतिनियुक्ति है इनकी और बहुत ही अच्छा, भागलपुर में जब से ये बांका से ट्रांसफर होकर आए हैं तो इनका मुख्य उद्देश्य है ड्यूटी के साथ साथ ये जो आदमी हेलमेट नहीं लगाते हैं उनको अपनी पैसा से हेलमेट खरीद के देते हैं और हर मौके पर जहाँ भी ट्रैफिक पर रुक के जिसको देखते हैं कि हेलमेट नहीं है तो उनको हेलमेट दे देते हैं। उनको हेलमेट मतलब सुरक्षा के लिए जितना भी मतलब सारा एग्जाम होता है बाइक का वो बताते हैं कि हेलमेट लगाने से क्या बेनिफिट है क्या लॉस है। और हर मौके पर ये जन कल्याणकारी कार्यक्रम जो होता है उसके तहत ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनका हमने सीनियर सर से भी बात की है, इनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इनको प्रोत्साहित करेंगे जो ताकि ये जो काम वर्क कर रहे हैं ये आगे नियंत्रण करते रहे। लोगों के लिए संदेश क्या रहेगा सर पर्यावरण दिवस पर? तो लोगों का संदेश रहेगा कि यही पेड़ लगाइए और पर्यावरण को सुरक्षित चाहिए और आगे की पीढ़ी को भी ध्यान में रखते हुए जितनी पेड़ लगाएंगे उतना प्रदूषण खत्म होगा।